नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नालंदा के, यानी नालंदा बिहार के सूर्य मंदिर के बारे में, जिस मंदिर में तथागत बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियाँ मिली हैं। और उन मूर्तियों को ये बताया जा रहा है कि ये देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और उन पर वो ब्राह्मणवादी लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये बुद्ध की मूर्तियां नहीं हैं, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का मेरा वीडियो है, तो वीडियो बहुत ही आनंददायक होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जानकारीपूर्ण वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का बिहार राज्य एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तथागत बुद्ध के अवशेष मिले हैं। वहीं पर मगध की राजधानी हुआ करती थी, जिस जगह को कहा जाता था पाटलिपुत्र, जहाँ पर सम्राट अशोक जैसे महान राजा, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजा और बहुत से महान राजाओं ने वहाँ पर शासन किया और बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। और विरासत को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बुद्ध विहार बनवाए, स्मारक बनवाए, शिक्षालय बनवाए, बहुत बड़े बड़े कार्य किए। लेकिन आज उन बौद्ध स्तूपों को, बौद्ध स्मारकों में से जो भी मूर्तियाँ निकलती हैं, प्रतिमाएँ निकलती हैं या बौद्ध शिल्प कलाएँ निकलती हैं, तो उनको ये ब्राह्मणवादी लोग हड़पने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा है, ये हमारे देवताओं ने जो ग्रंथों में लिखा है उन काल्पनिक देवी देवताओं का वो लोग बताते हैं। लेकिन जबकि सामने से दिख रहा होता है कि वो तथागत बुद्ध की प्रतिमाएँ हैं या बौद्ध विरासत की शिल्प कलाएँ हैं। बिहार राज्य के बाद में वहाँ पर नालंदा, जहाँ पर सभी को पता है नालंदा जैसी जगह पर एक बहुत ही विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी की खोज हुई है, उस यूनिवर्सिटी के अवशेष आज भी वहाँ पर उपस्थित हैं, जिसको खिलजी के द्वारा जला दिया गया था। उसी नालंदा जिले में एक सूर्य मंदिर स्थित है, जिस सूर्य मंदिर के अंदर से बनावट जो है वो बहुत ही प्राचीन है, वो बुद्ध विरासत है। लेकिन उसको ब्राह्मणवादी लोग हड़प करके बोल रहे हैं कि ये देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और ये एक सूर्य मंदिर है। साथ में देख सकते हैं ये ओटी स्तूप स्थापित है, उस ओटी स्तूप के पास में बहुत सी प्रतिमाएं हैं, शिल्प कलाएं हैं जो यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं बौद्ध कला की एक पहचान है जो दूर से ही झलक रही है कि ये बुद्ध विरासत है, लेकिन ये ब्राह्मणवादी लोग नहीं मानेंगे। देख सकते हैं ये मूर्ति जो सामने दिख रही है तथागत बुद्ध की मूर्ति है, भूमि स्पर्श मुद्रा में है, लेकिन इस मूर्ति को भी जड़ दिया गया है मंदिर में और बताया जाता है ये बुद्ध की मूर्ति नहीं है, ना ये बुद्ध की मूर्ति बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ ये मूर्तियाँ अंदर देख सकते हैं, अंदर से मूर्तियाँ, तीन मूर्तियाँ हैं और इन मूर्तियों में साफ साफ ये बताया जा रहा है कि ये जो मूर्ति है ये देवी की मूर्ति है, ये जो है ये सूर्य भगवान की मूर्ति है और ये जो मूर्ति है तीसरी ये भी सूर्य भगवान की मूर्ति है। अब सोचने की बातें हैं कि जो देवी की मूर्ति बताई जा रही है, जो भगवान की मूर्ति बताई जा रही है, जो इधर उधर की मूर्तियां बताई जा रही हैं, सभी बौद्ध शिल्प हैं और दूर से ही दिख रहे हैं। इन शिल्पों के सबसे ऊपर में देख लीजिए, आप लोग देख रहे होंगे कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं। अगर ये काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती तो ये बुद्ध की मूर्तियाँ उस पर बिल्कुल नहीं होती। आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमारी विरासत हड़पी जा रही है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणवादी लोग बोल रहे हैं और इसका जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको हड़पने की कोशिश करते चले जा रहे हैं। आप लोग समझिए, विचार करिए इसी प्रकार से। और आप लोगों को दिखाते हैं, ये आगे बढ़िए, आगे देख सकते हैं ये बिखरी हुई मूर्तियाँ, ये बिखरी हुई प्रतिमाएँ किस चीज़ को दर्शाती हैं। ये सब के सब दर्शा रही हैं कि ब्राह्मणवादियों की चाल है और इस ब्राह्मणवाद में फंसे हुए लोग यहाँ पर आते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, उनका पेट भरते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनका भला नहीं करता। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि हमको पूजो नहीं, हम कोई मुक्तिदाता नहीं हैं, हम मार्गदाता हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे मार्ग को बता सकते हैं जिसमें आपको परम आनंद की
प्राप्ति होगी। सोचिएगा, विचार करिएगा, ये किस तरीके से समाज को बरगलाने की कोशिश ये ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं, लेकिन समाज के लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। आँखों से देख रहे हैं कि सत्य है, लेकिन फिर भी सच को झूठ मनवाने की ताकत ये ब्राह्मणवादी लोग रखते हैं, जिससे यहाँ के लोग भ्रमित हो सके। और वही आज हो रहा है। आँखों के सामने बुद्ध हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही कि हम इनको बुद्ध कह सकें, क्योंकि हमारे दिमाग में वो डाली गई चीज़ें हैं कि ये सूर्य है, ये शिवलिंग है, तो भैया मानना पड़ेगा क्योंकि ब्राह्मणवादियों ने भरा है। इसीलिए कहता हूँ, आप जागिए, अपने बच्चों को जगाइए, अपने बच्चों को शिक्षित कराइए और ऐसी जगहों पर जरूर जाइए जिससे असली पोल खुल सके। दोस्तों, दी हुई जानकारी को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा। इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।